नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज हम राजस्थान के कोटा में आप पहुंचे हैं और एक ऐसे संस्थान में, एक ऐसे संस्थान के प्रांगण में खड़े हैं जिसने अब तक लाखों भारतीय छात्रों का भविष्य संवारा है। जी हां, हम हैं कोटा के प्रसिद्ध एलएन कोचिंग संस्थान में, जो कि छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करते हैं। फिलहाल यह संस्थान 275,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित कर रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ मौजूद हैं एलएन संस्थान के डायरेक्टर श्री नवीन माहेश्वरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सन 1988 में एलएन की स्थापना हुई और तब से अब तक की यात्रा को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, ये स्थापना मेरे से बड़े ब्रदर ने करी थी। जिस समय मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था, हम दो छोटे भाई फिर इंजीनियरिंग करके आए, जुड़ गए। हमारे पिताजी की हमने बहुत 1982 में डेथ हो गई थी, तो परिवार को पालने के लिए बड़े भैया ने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर उनको, जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उनको कुछ जॉब ऑफर आया, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया कि मैं तो पढ़ाऊँगा इसे। तो एक आवश्यकता है, वो पैशन बन गया। फिर हम लोग भी उससे जुड़ते गए, सभी भाइयों ने मिलकर के, चारों भाइयों ने मिलकर इस यात्रा को जारी रखा और आज जो कुछ बच्चों से शुरू हुआ था वो आज लाखों बच्चों पर पहुँच गया। और ये सब ईश्वर कृपा है, क्योंकि एक संस्कार के साथ में सफलता का जो हमने वाक्य रखा उसको लेकर के हम चले और बच्चों के बीच में एक अनुशासन और भारतीय संस्कृति का उसमें जो पुट होना चाहिए, जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने कार्य के प्रति निष्ठा, ये सब हमारी संस्कृति रही है, उसको लेते हुए संस्था को चलाया तो आज इस मुकाम पर है। भारत में आपके कितने ब्रांचेज हैं, कितनी शाखाएँ हैं अभी तक? 50 से अधिक शहरों में अभी सेंटर चल रहे हैं और अभी नए नए हर साल खुल रहे हैं। अभी हमने दिल्ली में भी अब शुरू किया है, अगले साल से दिल्ली में भी चालू हो जाएगा। कोलकाता का भी हमारा 12 तारीख को लॉन्चिंग ही है। तो ऐसे करके अब हम बड़े बड़े महानगरों में भी जा रहे हैं और साथ में गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, MP में, प्लस उड़ीसा में, और साउथ में बेंगलोर है, चेन्नई है, पांडिचेरी है, ऐसे कई जगहों पर हमारे ऑलरेडी सेंटर पिछले 5 साल 7 साल 8 साल से चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कोई भी सेंटर हम खोल लें, खोलना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको चलाना किसी भी जगह, किसी भी शहर में, उन्हीं बच्चों को उसी के शहर में जाके पढ़ाना, वो एक हमने अलग तरह की परंपरा बनाई है। हम अपने एथिक्स से कहीं पे भी समझौता नहीं करते। एलएन 34 वर्ष पुराना एक भरोसे का नाम है और आपने इस भरोसे को बखूबी बरकरार रखा है, ये इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, मैंने उसमें आपसे कहा कि सबसे पहले शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रक्षा हो, इन तीन जगह पे अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने अपने से अनुशासन शुरू किया। अगर हम चारों भाइयों के बीच में आज जो अनुशासन की हमारे लिए जो महत्ता है, हर चीज़ समय पे होना और उसके साथ में जो आपकी भारतीय संस्कृति है उसको निभाना, अपने माता पिता के सपनों के लिए जो बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको कैसा जीवन, विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं उनको लेकर के वो कैसे जिए, अपन कहते हैं ना काक चेष्टा बको ध्यानम, हम सुनते हैं सब तरह की बातें, तो बच्चों को यही सिखा के उसी तरह का माहौल देने की कोशिश करी। और उसके कारण ये आज व्यवस्था है कि माता पिता, जो लाखों माता पिता हैं भारत के, वो अब एलएन पे विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा एक सही हाथों में दे रहे। सफलता असफलता अलग बात है, सिलेक्शन होना अलग बात है, लेकिन वो जो भी करे अच्छा प्रयास करे, पूरा प्रयास करें और तरीके से प्रयास करें, ये हमारी कोशिश है।
लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी जी, आपके स्वर्गीय पिताजी, उनके नाम और एलन एलन जो आपने इस संस्था की स्थापना की, दोनों में क्या संबंध है? देखिए, उनका शॉर्ट नेम एलन माहेश्वरी था, लेकिन उसको लिखने का तरीका उस समय जब ये संस्था की स्थापना हुई तो जो भी माहौल था देश का, विश्व का, शिक्षा में जो उस समय सूझा, तो यही रहा कि उनके एलन पिताजी के नाम को इस तरह से लिखा जाए, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, ताकि उनके नाम का भी उसमें रहे और ये जो एक संस्थागत नाम है वो भी उसमें आ गया। कैरियर का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का कैरियर, जो यहाँ पे बच्चा जुड़ा है उसका कैरियर, और हम लोग जो टीचर्स हैं सबका भी कैरियर यहीं बने, सब इसको अपना अपना माने, इस भाव से इसको चलाए। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में अपने बड़े भाई साहब के संघर्ष के बारे में बताया कि कैसे एक किराए के छोटे से कमरे से उन्होंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना बड़ा कोचिंग सेंटर, मतलब एक साम्राज्य ही स्थापित किया। इसके पीछे निस्संदेह एक बड़ी प्रेरणा तो है ही, लेकिन उनके शुरुआती संघर्ष के बारे में आप बताइए, क्योंकि उस वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगा। देखिए, शुरुआती संघर्ष तो हमारे दोनों बड़े भाई, हम चार भाई हैं, दोनों मेरे पिताजी की बीमारी के समय भी बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि कैंसर था, एक साधारण परिवार के वो एक स्टाफ लेवल पे नौकरी करते थे, तो सब कुछ पैसा भी उसमें खर्च हो गया। तो दोनों भाइयों ने और फिर हमारी माता जी ने जो अपना संघर्ष किया वो एक अलग ही मिसाल है, क्योंकि वहाँ से इस लेवल पे आना तो कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा प्लस उनकी जो खुद की मेहनत है, जो डेडिकेशन है, उन्होंने अपने बच्चों को जिनको भी पढ़ाया, उनसे एक साल दो साल छोटे बच्चों को वो पढ़ाते थे, बराबर के बच्चों को पढ़ाते थे अपनी कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे, तो वो एक वही डेडिकेशन हम से, जो छोटा ब्रदर है उसने भी एलन ज्वाइन किया, तो उसने भी उससे भी ज़्यादा डूब करके बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई। उसको ये ध्यान नहीं रहता था कि कब खाना खाना है कब नहीं खाना है, वो सब चीज़ें भूल जाता था बच्चों के बीच। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे परिवार की विशेषता रही। मुझे ये कार्य दिया गया कि आप जितने भी बाहर के कार्य हैं, बच्चों की बाहर की व्यवस्था, सुरक्षा, ऑफिस के जितने काम हैं, और आप जैसे लोगों से मिलने के काम हैं, ऐसे शुरू से मैं यही करता रहा। तो परिवार के हर सदस्य ने अपनी जो मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर हैं वो उस समय पिताजी की जगह नौकरी में थे, तो उन्होंने वो बहुत ही अनुशासन के वो सबसे बड़े एक उदाहरण थे हमारे पूरे परिवार में। उन्होंने उस संस्कार और अनुशासन को हम सबके अंदर बरकरार रखा, प्लस पूरा हमारा जो फाइनेंस का जो पूरा जो हिसाब किताब था वो सारा उन्होंने संभाला। उनके निर्देशन में, उनके अनुशासन में दोनों भाई पढ़ाते थे और मैं दूसरे काम संभालता था। तो ऐसे करते करते ये एक संघर्ष भी था, लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी पारिवारिक एकता और जो हमारी भारतीय संस्कृति के द्योतक है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, इस भाव से हम आगे चले, तो आज ये मुकाम था। आप एलन का एडमिन संभालते हैं, प्रशासनिक कार्य संभालते हैं, सबसे अहम हिस्सा है, भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी एलन को लेकर? देखिए, पहली बात तो कोई भी कार्य जो मैं कोई भी संभालता है वो सबकी अपनी जगह महत्ता है। अगर मैं प्रशासनिक देखता हूँ तो जो सबसे बड़ी चीज़ ही पढ़ाई होती है, पढ़ाई को वो लोग देखते हैं जो बाकी भाई हैं, फिर फाइनेंस है, वो पूरा सामाजिक सरोकार है और वो सबसे बड़े भैया देखते हैं, तो सबका अपना अपना रोल है और सबकी मिलकर यही योजना है कि भारत के हर घर में एलन की किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा हम कर सकें। और उसके लिए आज की डेट में आपको मालूम है कि डिजिटल एक बहुत बड़ा माध्यम है, आपका चैनल भी डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है, ऐसा आपने बोला शुरू में, उदय इंडिया डिजिटल। तो डिजिटल के लिए हमने एक बहुत बड़ा अभी हमारा एक नया कदम बढ़ाया है और हमने भारत के सर्वश्रेष्ठ जो लोग मीडिया में रहे और जो उन्होंने स्टार को और आज तक को जिन्होंने बनाया, उनके साथ अभी हम जुड़े हैं, उदय शंकर जी, वो भी अब हमारी इस डिजिटल, उन्होंने हॉट स्टार जैसी चीज़ें दी है, स्टार स्पोर्ट्स को दिया है भारत, तो अब हमारे उस डिजिटल को वो हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ा रहे हैं उस कहानी को। और भगवान ने चाहा तो हम हर घर में कोई ना कोई रूप में, छोटे बड़े रूप में, हर बच्चे की शिक्षा में हम एक उसका सहारा बने, उसके साथ साथी बने, ये हमारी इच्छा है। नवीन जी, एक चीज़ है कि आपने अभी ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं और कोई भी संस्थान या एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होता है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, क्योंकि आपकी विजन बढ़ रहा है, तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको भी बताया, क्या सोचा है? इन्वेस्टमेंट उन्हीं का आ रहा है, जो उदय जी आ रहे हैं उनके साथ में, उनकी जो सिंगापुर की जो उनकी कंपनी वो इन्वेस्टमेंट भी ला रही है, वो सब चीज़ें साथ में पैरेलल चल रही है। ठाकुर जी सबकी व्यवस्था करते हैं, जब जिसकी ज़रूरत होती है वो आता है। आज तक हमने किसी से एक रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ करना है कि विश्व के हर घर में एलन को पहुंचाना है, भारत को तो पहुंचाना ही है,
तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी तैयारी भी होगी और ये लोग जुड़ गए। तो कितना इन्वेस्टमेंट मिलने का? अब ये सब तो आप अखबारों में पढ़ ही रहे हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट तो उनका काफ़ी संख्या $600 मिलियन का आएगा, धीरे धीरे वो सब आएगा उसमें। आपने एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है उसके साथ संस्कार, और संस्कार एक ऐसा चीज़ है और साथ में ये आपका एजुकेशन मतलब एक बिजनेस भी है। एंड आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ संस्कार को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। शिक्षा जाना जाता था, जिसके लिए गुरुकुल आश्रम खड़ा हुआ था, वहाँ पर पैसा बड़ा नहीं था, लेकिन आज मॉडर्न एज में मॉडर्न टाइम्स में पैसा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए पैसा तो हर अच्छी चीज़ के साथ पीछे चलता ही है, लक्ष्मी जी की कृपा वहीं होती है जहाँ सरस्वती जी पूरे ढंग से चलती है। तो ये सरस्वती का मंदिर है, हमको उस भावना को समझना पड़ेगा, और यहाँ पे पैसा को माता पिता खर्च करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो ये चाहते हैं उसका सही उपयोग। आजकल पैसा हम एजुकेशन में खर्च भी करते हैं तो कई बार हमको लगता है कि बच्चा उसका दुरुपयोग कर रहा है, उस समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अच्छे अच्छे स्कूल बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए, लेकिन संस्कार की कमी बहुत हो गई। तो वो कोशिश एलएन ने हमेशा करी कि हम हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा माहौल बनाएं। इसलिए आज कोई कोचिंग भारत में नहीं होगा जिसने यूनिफॉर्म अपने स्कूल कोचिंग में रखी होगी, आपने देखा ही नहीं होगा। ये कोटा में इस कंसेप्ट को लाने वाले एलएन, और आज हम एक साथ पूरे भारत में 300,000 लोग एक यूनिफॉर्म में अगर रहते हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, अटेंडेंस का है, रोज़ क्लास में जब बच्चा आता है तो उसको प्रेयर करनी पड़ती है, जाने से पहले एक ओथ लेनी पड़ती है, ये सब चीज़ें वो है जो उसको रोज़ अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना, किसकी अब परंपरा बन गई है, परंपरा जब बन जाती है तो परंपराओं को सबको निभाना ही पड़ता है, जो भी नए लोग आ रहे हैं वो भी उसी तरीके से आ रहे हैं। मेजॉरिटी अब भी भारत में बच्चे होते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के होते हैं, गरीब लोग घर से होते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा बहुत होता है। तो ऐसे प्रतिभावान छात्रों के लिए आपकी एलएन की क्या प्लानिंग है, आप उसके लिए क्या सोचा है, या CSR के तहत आपने उनके लिए कुछ करते हैं क्या? देखिए CSR तो हमारे पे अब जाके लागू हुई जब हम एक कंपनी बने, लेकिन हम तो पहले से ये करते आ रहे हैं। आप हमारी बच्चों की कहानियाँ पढ़िए कभी, तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं था आज वो डॉक्टर बन रहे हैं। एक जो बाल वधू है वो बच्ची यहाँ आके पढ़ी, उसको अभी वो डॉक्टर हो रही है, फाइनल ईयर में है। ऐसी अनेकों कहानियाँ, और हमने अभी पिछले जब कोरोना काल में जब हजारों बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया उनके पास पढ़ाई का, तो ऐसे हमारे पास 300 से ज़्यादा बच्चे अभी पूरे भारत से आके निःशुल्क यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जितने भी हमारे पास प्रकरण आते हैं, हम उन बच्चों की योग्यता और उनके जो भी संसाधनों की कमी उसको पूरा करने का हमेशा प्रयास करते हैं। पर ये बातों को हम बहुत ज़्यादा डाटाबेस में नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर हम इसको ऐसा नहीं हो कि कल हमारे को उसी का शौक लग जाए कि हम क्या करते हैं यही बताने लगे, तो ये अपने आप एक इनहेरेंट हमारी जो ऐसा आता है, और उसको यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि भारत सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है, एक तो GST बच्चों को एजुकेशन होते हुए भी GST भी देना पड़ रहा है, उसके बाद प्रॉफिट टैक्स भी इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है, कुल मिला के कितना टैक्स आपको देना पड़ रहा है एजुकेशन में, और सरकार के सामने क्या आपका कुछ कहना है कि ये रिड्यूस होना चाहिए सो दैट कि आप और बेटर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर ब्राइटर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन? देखिए स्ट्रक्चर तो जो इस इंडस्ट्री में है वो अभी तक मेरे ख्याल में एलएन से बेहतर कहीं नहीं है, जो एलएन ने दिया। मैं आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जब आप कोचिंग की बात करते हैं तो जिस तरह की पढ़ाई और माहौल हम देते हैं वो शुरू से हम अच्छा देते हैं, हमने उसमें कभी कोई कमी नहीं करी, न टीचर्स में न बच्चों की व्यवस्था में। लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात है, तो सबसे बड़ा बोझ जो अभी पिछले 10-15 साल से जो चालू हुआ है, GST सर्विस टैक्स के रूप में चालू हुआ था, ये एक गलत चीज़ शुरू हो गई, जिसके लिए हमने काफ़ी कोशिश भी करी, कई बार ज्ञापन भी दिए कि बच्चों के ऊपर ये जो आप 18% GST जो लेते हैं, जब आप किसी भी शिक्षा में नहीं लेते तो इसमें क्यों लेते हैं? तो अभी भी वही है कि ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अभी हम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है कोचिंग वालों के लिए, और है तो शिक्षा ही एक समानांतर शिक्षा है, लेकिन अब उसमें कई तरह के लोग हैं, इसलिए लोगों को उनकी दृष्टि अलग अलग है कि भाई कोचिंग कोई वो होता है, फलाना होता है, लूटता है। अब एलएन अपने हिसाब से चल रहा है, हम अपनी अपनी राह अपनी बना रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा
प्रयास अच्छा हो जाए कि इस टैक्स में कमी हो जाए बच्चों के लिए, तो इनको भी बहुत बड़ा जो 18% का लोड है वो 5% 6% आ जाए। थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, और या फिर वो आय के हिसाब से हो कि जिनकी आय कम है उनके ऊपर नहीं लगे, वो जिनकी आय है वो दे। भारत में ये तो हमें करना ही पड़ेगा कि इस देश को चलाने के लिए जिनके पास है सामान उनको देना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं है उनको हमें उनको संभालना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा ये है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, इसके बाद पूरा एजुकेशन का पैटर्न ही बदल गया है। आपने अपने कोचिंग में, अपने कोचिंग सिस्टम में उसके हिसाब से कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी आपको? पैटर्न तो बनाया है सरकार ने नया, और लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोला है एक किसी भी चीज़ को लागू करना है तो जब 1 से 12 तक के बच्चों में लागू होना है तो वो 1 से शुरू होकर 12 साल में तो वो लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि उसको लागू करने वाले कौन है। सरकार के नीति निर्धारक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो शिक्षा जगत में जो सरकारी सिस्टम में जो टीचर्स हैं उनको आप कोटा इंडिया में कैसे देखते हैं? उनका एक बहुत बड़ा वर्ग केवल नौकरी के नाम पे नौकरी करता है, वो अपने जो उनकी जिम्मेदारी उसको कभी निभाई नहीं है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो हमने पिछले 70 साल में बनाई है उसमें केवल नौकरी देने का काम किया है शिक्षकों को। शिक्षकों को क्या करना है, कौन योग्य है कि नहीं है, वो हमने कभी उस पर बहुत बड़ा काम नहीं किया, उनकी ट्रेनिंग पर कभी कोई काम नहीं किया। तो आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ बना दी पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पहले नीचे जो वर्क फोर्स है उसको ठीक करना पड़ेगा। सैनिकों पर तो हमने बहुत काम किया, उनको अनुशासन भी सिखाया, उनके साथ हमने उनको साधन भी दिए, उनको वैसा रखा, लेकिन हमने शिक्षकों पे भी कभी हमारे देश में कोई ऐसी विचारधारा नहीं आई कि जो सरकारी लेवल पे जो शिक्षक, तो ये काम हम एलन कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक हमारे पास आ रहा है हम उसको अलग तरह की ट्रेनिंग दे के तैयार करें। तो मुझे तो लगता है कि जो भी नई शिक्षा प्रणाली आ रही है वो भी भारत तो हमारे जैसे लोगों को ही देखेगा कि इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट आप करो ताकि हमारे बच्चे उसके हिसाब से डेवलप हो। मुझे नहीं लगता है कि अभी जो ग्रामीण स्तर पे नीचे के स्तर पे जो शिक्षक हैं वो इतने ज़्यादा कुछ इक्का दुक्का, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अधिकांश तो अभी वो चुनाव कराने के लिए और वोटर लिस्ट को बनाने के लिए और जनगणना करने के लिए इस कामों के लिए ज़्यादा उपयोग होते हैं। पढ़ाने का तो मैंने बहुत ज़्यादा उनमें शौक नहीं देखा। बट आलन अपना टीचर्स को अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रणाली अडॉप्ट करता है? और दूसरा, जो IITs किए हुए हैं, IIMs किए हुए हैं, वो आपके पास टीचर क्यों रहेगा? हमारे पास IITs के इतने टीचर्स हैं जी, इसलिए तो बहुत टीचर्स हैं, और हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है उसको, मेरे अभी दामाद जी जो IIT मुंबई से पास आउट थे, 2019 में उनकी शादी हुई, मैंने उनसे कहा आप टीचर बनिए, उनको भी उसी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा 6 महीने, और जब वो उसमें पास हुए तो ही वो शिक्षक बन पाए। ज्ञान तो उनके पास था, योग्यता उनके पास थी, IIT से केमिकल में वो करके आए हुए थे, लेकिन उनको वो हमारे जो कल्चर है, हमारे जो सिस्टम है पढ़ाने के, वो सीखना ज़रूरी था, तो वो हमने उनको सिखाया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर तो पूरा उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, टेस्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसका पूरा एक्सटेम्पो सब होता है। वो तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो वहाँ से शुरू होता है और फिर इस लाइन में फिर उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे एक सैनिक का जैसे चयन होता है उसी तरह से इसमें एक अच्छी तरह से चयन। और जबकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो भारतीय सरकारें या राज्य सरकारें जो शिक्षकों को चुनती है वो ज़्यादातर वोट बैंक के हिसाब से चुनती है, जितने बना दो, इस जाति के इतने बना दो, उस जाति के इतने बना, योग्यता कहाँ देखते हैं? योग्यता को बनाना बहुत ज़रूरी है हमें शिक्षा में। हमें अभी तक हमारे देश में सरकारों ने योग्यता के लिए योग्य शिक्षकों पे कोई काम नहीं किया, बस एक MA BEd कर लो, डिग्री कहीं से भी ले आओ। आपको मालूम है कितने MA BEd कैसी हो जाते हैं? एक पान की दुकान पर डिग्री मिल जाती है, ऐसा भी सुना है मैंने, लेना तो लीजिए। तो अब ये सब चीज़ें हमारे देश में ठीक नहीं होनी चाहिए जी। आपने एक इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, मेडिकल पढ़ने वाला बच्चों को तैयार करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको वो कितना रिसेप्टिव होता है, क्या उनकी, आपका एक्सपीरियंस क्या है, बच्चे इसको किस तरह से लेते हैं कि 2 साल तक घर बार छोड़ के यहाँ रहता है, तैयारी करता है पढ़ाई के लिए, उनके भी एक मनस्थिति होती है, उनकी एंटरटेनमेंट होती है, फैमिली नहीं रहता है, उनके लिए इमोशंस होती है, उस बात को आप किस तरह से हैंडल करते हैं एक गार्डियंस के लिए? देखिए, ये एक हर जगह का और किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, अगर आप भारतीय संस्कृति पे जाएं तो ये चीज़ें आज नई नहीं है। हमारे देश में तो कृष्ण जी भी गुरुकुल गए थे और राम जी भी गए थे, तो
अब हमारे यहाँ पे बीच में ये जरूर हो गया कि हमारे माता पिताओं ने बच्चों को बहुत ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनकी जो क्षमताएँ हों विकसित होनी चाहिए बचपन में उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इतने लाड़ प्यार या जो कह सकते हैं कि एक एक दो दो बच्चे होते हैं और उनको फिर वो इस तरह से नाजों से पालते हैं। हमारे तो खूब थप्पड़ पड़े स्कूल में, तो हम वैसे ही मजबूत हो गए, हमें साइकोलॉजिकल की कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमें मालूम है यार लड़ना है ज़िंदगी से, ज़िंदगी से लड़ना सिखाना है, ज़िंदगी को जीतना सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये अभी हमारे कोटा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को, जो भी जैसे भी हमारे पास आता है, जितना परिपक्व होता है नहीं होता है, उसके साथ हम वो सेशंस भी रखते हैं, उसके साथ हम मोटिवेशन भी करते हैं और उसको ऐसी उदाहरण दे के समझाते हैं बच्चे को कि जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो अब्दुल कलाम आज़ाद बनना है या कुछ भी बनना है तो आप उनकी कहानी को देखिए। तो आप बच्चों को ये चीज़ें जब आप बताएंगे लगातार और उनको हमारे यहाँ के उनके जो हमारे यहाँ के जो बच्चे उनके उनके जैसे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, एक झोपड़ी में बाड़मेर का बच्चा कैसे लालटेन में पढ़ता था और कोटा में आके अपना स्टोव लेके खाना बना करके खुद खाता था और फिर एलएन में पढ़ता था और अब डॉक्टर बन रहा है, ऐसी कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ उन बच्चों को सबको प्रेरित करती है। तो जो आप जिस समस्या की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो समस्या हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, समाधान भी समाज को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या विश्व में हमसे ज़्यादा तो दूसरे देशों में, जिन देशों ने बहुत साधन प्राप्त कर लिए वहाँ तनाव का सबसे ज़्यादा कारण वहाँ है। हमारा देश तो अभी भी बहुत गरीब है और गरीबी कभी तनाव नहीं देती, गरीबी हमेशा संघर्ष सिखाती। अब बात यह है कि मैं किसके लिए बना हूँ और मेरे मुझे जो काम करने के लिए जब समय दिया गया तो मैंने वही किया, अच्छी तरह ईमानदारी से किया। वर्ल्ड कप में अभी वो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन कौन सी टीमें आई हैं, कोई ये थोड़ा कहना वर्ल्ड कप जीतूंगा तो ही सक्सेस, सब अपना अपना अच्छा कर रहे हैं। ये बच्चों को यही कहना है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता, सक्सेस तो अभी ज़िंदगी में बहुत आगे मिलेगी, सक्सेस तो अभी पता ही नहीं। आप किसी कोई बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो इसलिए आप IIT में नहीं गए, आप क्या बनने वाले हो आपको थोड़ा मालूम। लेकिन हाँ, हमने इस उम्र में जो कार्य किया और जिसके लिए जो प्रयास किया वो पूरा सद प्रयास किया, मेहनत के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया। अब जो मुझे मिला वो कर्मण्येवाधी के माँ फिर इसको कदा से जो मिलेगा सो मेरा मेरे सफलता का। तो हमारे साथ मौजूद थे नवीन माहेश्वरी जी जो एलन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक परिवार अगर एक साथ एकजुट हो तो वो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। एलन के संघर्ष की कहानी लाखों जिंदगियों को प्रेरणा देने वाली है। कैमरामैन रमन के साथ मैं अंशुमान आनंद, उदय इंडिया, कोटा।